और चौथी बात यह है कि कई बार एक शख्स कोई एक चीज कर रहा है, कोई भी चीज, वो चीज करने में नाकाम हुआ, हम कहते हैं अब रुक जाओ, अपने आप को चेक करो, ये करने में तुम्हारा गोल क्या है, ये करने में तुम्हारा मकसद हदफ क्या है, गोल क्या है, मकसद क्या है, क्या हासिल करना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे कई बार कई लोग कोई चीज करते हैं, मैं उसको दिखाने के लिए कर रहा हूं, मैं दिखाना चाहता हूं, दिखाने के लिए चीजें जो होती है ना, वो का हो भी जाए तो नाकाम है, वो अगर हो भी जाए तो नाकाम है, और नाकाम हो गया तो और अच्छा हुआ। दिखाने के लिए कोई चीज कर रहे हैं, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूं, फलां को दिखाना है, या नाम के लिए कर रहा हूं, मुझे नाम चाहिए, मुझे लोग इस नजर से देखें। देखिए अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग अक्सर चीजें सिर्फ ताकि दिखने में अच्छी लगे और दिखने में बुरी ना लगे, इसलिए जिंदगी जीते हैं वो। उनकी जिंदगी होती है कि आई वॉन्ट टू लुक गुड, आई डोंट वॉन्ट टू लुक बैड, मुझे बस अच्छा दिखना है और मुझे बुरा नहीं दिखना है। दिखना लोगों की नजरें, और ये जो लोग हैं ना कब्रों में पहुंचने वाले हैं, कोई भी हमेशा नहीं रहा, हम भी हमेशा नहीं रहेंगे, हमारे आसपास वाले भी हमेशा नहीं रहेंगे। तो यहां ये जो लोगों के लिए लोग जो जिंदगी जीते हैं ना, जो दिखाने के लिए, मैं साबित कर दूं, मेरे लोगों को दिखाना है, मैं ऐसी गाड़ी हासिल करना चाहता हूं, मैं ये चीज हासिल करना चाहता हूं, तो ये चीजें क्या है, ये खुद नाकामी है। तो अगर नाकामी मिली है तो अपना जायजा लो, अपना जायजा लो कि आपका गोल क्या है। हाँ, पैसों के लिए कर रहे हो तो पैसों के लिए करना अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है, बुरी बात है, पैसा क्या है, जरिया है। अगर उसके अंदर गलत चीज के लिए पैसा हासिल करना है तो बुरी बात है, अच्छी चीज के लिए करना है अच्छी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नीमल माल सौले लिल मारे सौले, कितना अच्छा है अच्छा माल एक अच्छे शख्स के लिए। तो अच्छा माल, हलाल माल एक अच्छे शख्स के लिए अच्छा है। तो मेरे भाइयों, पैसों के लिए करना कोई बुरी बात नहीं है, हलाल रोजी के लिए। कोई हलाल रोजी के लिए कर रहा है कि भाई मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ हलाल रोजी के लिए, मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ हलाल रोजी के लिए, मैं ये जॉब कर रहा हूँ हलाल रोजी के लिए, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ हलाल रोजी के लिए, मैं डिग्री हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ हलाल रोजी के लिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी कहाँ बात है, जब आदमी पैसे का गुलाम बन जाए, पैसे को सब कुछ समझे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तईसा अब्दुद्दीनार व अब्दुद्दिरहम, हलाकत है दीनार के गुलाम के लिए और दिरहम के गुलाम के लिए, सही बुखारी की हदीस है। तो गुलाम नहीं बनना है पैसे का। जो लोग पैसे के गुलाम बनते हैं ना, वो हलाल हराम कुछ नहीं देखते हैं, आना चाहिए पैसा। तो पैसे के गुलाम नहीं बनना है। अगर वो हद तक आदमी ने सोचा है कुछ भी हो जाए, पैसा पैसा पैसा, कुछ भी हो जाए नहीं, हलाल तरीके से करेंगे। पैसे के अंदर कुछ भी करके हम लोग नहीं हासिल करने में मानते हैं, हलाल तरीके से करके करने में मानते हैं, और उसमें अल्लाह बरकत देता है, उसमें खैर है। और यजल लहु मखरजा, अल्लाह तकवे के साथ जो आदमी काम करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते निकालता है। वह अर्ज़ुखु मिन हैथु ला यहतसिब, वहां से रिज़्क देता है जहां से आदमी सोच भी नहीं सकता है। जो हमने आयत पहले पढ़ चुके हैं, सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3, सूरह 65 आयत नंबर 2 और 3। तो मेरे भाइयों, मकसद क्या है, अपने आप को पूछो, व्हाई एम आई डूइंग दिस, मैं क्यों कर रहा हूं। अगर मकसद क्लियर है ना, वो मकसद को सामने रखो कि मैं ये मकसद के लिए कर रहा हूं। वो मकसद के लिए जब कर रहे हैं तो आदमी को उस मकसद तक पहुंचने के लिए उसे मोटिवेशन मिलेगा, उसके अंदर एक जज्बा पैदा होगा। वो गोल और मकसद सामने रखना, मुझे ये करना है, मुझे ये मकसद के लिए करना है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हलाल रोजी के लिए इस्लाम ने रोका नहीं है, इस्लाम ने रोका नहीं है हलाल रोजी हासिल करने की कोशिश में। इस्लाम ने ये नहीं सिखाया कि तुम्हें दीनदार बनना है तो सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, जाओ जाके जंगल में रहो, वनवास ले लो, शादी मत करो, रूहबानियत इख्तियार करो। इस्लाम वो दीन नहीं है। इस्लाम वो दीन है जहां पे आप ये चीज के ताल्लुक से वाजे रखें कि पैसा आजमाइश है, इम्तिहान है, और सबसे बड़ी चीज कनाअत है, कंटेंटमेंट है। लेकिन हलाल रोजी कमाने और हलाल पैसा कमाकर अच्छे कामों में खर्च करने में इस्लाम ने उभारा है कि अच्छे काम के लिए कमाओ और अच्छे काम को सपोर्ट करो। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहता है, इन अंजलनल माल लीकामिस्सला वईताइज़्ज़का, मैंने माल भेजा ही इसलिए है ताकि नमाज कायम की जाए और ताकि ज़कात दी जाए। मतलब माल अल्लाह ने भेजा क्यों है, माल का असल मकसद क्या है? माल का असल मकसद है कि लीकामिस्सला, नमाज कायम की जाए, मतलब नमाज के लिए मस्जिद कायम की जाए। मस्जिद क्या है? दावा सेंटर है, सबसे बेहतरीन दावा सेंटर मस्जिद है। मस्जिद के जरिए लोगों तक दावत पहुंचे, इकामिस्सला नमाज की कायम करने के लिए, यानी लोगों को ईमान की दावत देने के लिए। पैसा दिया गया इसलिए कि आपका पैसा किसी के ईमान का जरिया बने, कोई ईमान तक आए उसका जरिया बने। आज आप देखिए दुनिया भर में दावत के काम बेचारे पैसों की सपोर्ट की वजह से कमजोर चल रहे हैं। हाँ,
क्यों कमजोर चल रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये काम की अहमियत हमारे नजर में कम हो गई है। ली काम सोला, मैं पैसा भेजा इसलिए ली काम सोला, वो इताए जकात, ताकि जकात दी जाए। जकात दी जाए यानी मुस्तहिक लोगों की मदद की जाए, जो आज भूख से मर रहे हैं उनकी भूख भूख दूर की जाए, जो तकलीफ में मुलविस है उनको मदद करने के लिए कोई पहुंचे, ये पैसा लाए दिया तो इसलिए। तो आदमी बोले मैं इसलिए पैसा हासिल करना चाहता हूं ताकि मैं इकाम सोला वही था जका, ताकि नमाज कायम की जाए यानी दीन की तरफ दावत दी जाए, और ताकि जकात दी जाए यानी गरीबों की मदद की जाए। तो ये दो मकसद के अहम मकसद है, बुनियादी मकसद है माल के। तो मेरे भाइयों हम क्या देख रहे हैं कि आदमी अपना हदफ क्लियर करे, अगर हदफ पर्पस मकसद क्लियर है तो आगे चीजें आसान होगी। तो ये नाकामी से आदमी मायूस नहीं होगा, मुझे यहां पहुंचना है, मुझे ये करना है, मुझे अपनी हलाल जरूरतों को पूरा करना है। क्योंकि बेहतरीन रुपया कौन सा है जो आदमी अपने खानदान पर उसकी उनकी जायज हलाल जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करता है, वो सबसे बेहतरीन पैसा खर्च किया। मैं इसलिए करना चाहता हूं ताकि मैं अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा कर सकूं, ताकि जिस्म का हक है वो हक अदा कर सकूं, ताकि मैं जरूरतों को जायज जरूरतों को पूरा कर सकूं, ये जायज हदफ है। तो आदमी अपने आप को चेक करे क्या गोल था।